कोरोना काल में आगे आकर गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। खबर मथुरा से। कोरोना काल में सेवा प्रकल्प के तहत क्षत्रिय महासभा के नेता समाजसेवी ठाकुर दिवाकर सिंह राजपूत ने 1000 निर्धन परिवारों को राशन सामग्री वितरित करने का लक्ष्य रखा। इसी के अंतर्गत बुधवार को पहले चरण में 101 लोगों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए। पैकेट पाकर गरीब और मजदूर वर्ग के लोग भी प्रफुल्लित दिखे। उन्होंने इस सेवा कार्य की जमकर सराहना की। गोवर्धन रोड पर रामकृष्ण नगर सूर्य नगर स्थित श्री गिरिराज बाबा विद्या मंदिर में आयोजित राशन सामग्री वितरण कार्यक्रम में गरीबों को आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, नमक, मसाले आदि में राहत सामग्री पैकेट लोगों को दिए गए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का संपूर्ण पालन किया गया। आयोजक ठाकुर दिवाकर सिंह राजपूत ने बताया कि सेवा प्रकल्प के अंतर्गत 1000 गरीब परिवारों को राशन सामग्री बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 10 चरण होंगे। इसी के तहत बुधवार को पहले चरण में 101 लोगों को राशन सामग्री प्रदान की गई। आपका अपना नाम इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। मैं ठाकुर दिवाकर सिंह, मूल निवासी छोटी कोसी, राधानगर कृष्णानगर में रहता हूं और मैं क्षत्रिय संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, राजनीतिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूं, पर उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने एक संकल्प लिया। दिखावे से, किसी भी होड़ से, हर चीज़ों से दूर होकर हमने संकल्प लिया कि मथुरा के 1000 गरीब परिवारों को हम लोग एक एक महीने का राशन वितरण करेंगे, जिसमें आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, मसाले, नमक और जो भी आइटम है वो सब ब्रांडेड है। उसमें बासमती चावल है, उसमें पिंक सिटी का जो अच्छे ब्रांड का सरसों का तेल है, नमक है, सभी चीज़ें क्वालिटी के हम लोग बांट रहे हैं। हमारा कोई दिखावे उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और कोविड काल में बहुत सारे लोगों का धंधा रोज़गार चौपट हो गया है। आज उन लोगों को परचून वालों से उधार सामान लेना पड़ रहा है, जो कि उनको 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये और 2 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों की ये स्थिति देखकर हमारे पिताजी ठाकुर भीम सिंह राजपूत, जो कि जैन इंटर कॉलेज में सर्विस की थी, रिटायर है, उन लोगों की और हम लोगों की इच्छा हुई कि सबसे पहले हम 1000 लोगों के परिवार तक जुटें और कोविड गाइडलाइन के अनुसार आज हम 100 लोगों को वितरण कर रहे हैं। चूँकि हमारी जिला प्रशासन से बात हुई थी, उन्होंने कि आप 100-100 करके 10 दिन में 15 दिन में इस कार्यक्रम को करें, जिससे कि इसका भी ध्यान रखा जा सके और समाज सेवा भी। और इस तरीके के कार्यक्रम हम हर एक महीने के गैप के बाद लेते रहेंगे। एक एक महीने के बाद हमारे पिताजी का ये कहना है कि मेरे पास जो भी पूंजी है 78 साल की उनकी एज है, उन्हें समाज सेवा में उसको पूरी तरीके से। अन्य समाज सेवी लोगों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस अभियान? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं वो मंदिरों में नहीं बैठे हुए हैं, वो मस्जिदों में बैठे हुए नहीं हैं। और असली धर्म तो वही है कि गरीब आदमी तक वो चीज़ें पहुंच जाए। बहुत सारे लोगों ने धर्म की एक तरीके से, मैं कहूँगा, बिजनेस व्यापार बना ली है। कुछ हमारे पूर्वजों के जो कार्य थे उनके कहानी किस्सों को सुना सुना कर करोड़पति अरबपति हो गए। आज कोरोना काल में उस तरीके के लोग जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लिए, वो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े उनके बैंक बैलेंस, बड़ा बड़ा वैभव सब इकट्ठा कर, जोड़कर विनती करता हूँ कि वो लोग आगे आएँ और गरीब लोगों की मदद करें। ये देश की भी सेवा है, समाज की, और ये धर्म भी है।